कल हमने देखा एक साइडवे मार्केट और यू कैन से लाइक ए पिन बार, सो इनडिसीजन कैंडल व्हाटएवर यू से, तो एक फॉर्म हुआ यहाँ पे। क्या यहाँ पे एक सपोर्टिंग लाइन है? उस हिसाब से कौन सा डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं मंडे को, या बाय में जा सकता है या सेल में जा सकता है? क्योंकि अकॉर्डिंग द प्राइजेक्शन मेथड, प्राइज आर क्लियर फॉर्मिंग लोअर लो, है ना, यहाँ पे लोअर लो फॉर्म हो रहा है। चलो पहले हम कौन सा डायरेक्शन में जाए, उससे पहले ग्लोबल मार्केट और कोई फंडामेंटली क्या बड़ा वाला कुछ इवेंट है क्या, उसका ऊपर भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मेजर स्टॉक्स को आप देखें, जैसे ये हो गया इंडाइसेस, इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत निगेटिव था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, फिर भी आप देख सकते हैं जैसे डोजोन लिटिल बिट पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, S&P 500 लिटिल बिट पॉजिटिव, नैसडैक 1.4% पॉजिटिव। तो मैक्सिमम जो मेजर मार्केट है पॉजिटिव या साइडवे में ही है। और फ्यूचर मार्केट को देखिए, जैसे फ्यूचर मार्केट क्या होने वाला है उस हिसाब से हम देखें, तो फ्यूचर मार्केट में भी पूरा पॉजिटिव ही है। आप देख सकते हैं जैसे निफ्टी थोड़ा निगेटिव था यहाँ पे, लेकिन बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स, S&P 500, नैसडैक पूरा की पूरा पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है थोड़ा जो लोअर पॉइंट है वहाँ से बाउंस हो सकता है। तो देखेंगे सपोर्टिंग लेवल है क्या नहीं, और अगर सपोर्टिंग लेवल है वहाँ पे तो हम लोग कौन सा एरिया में बाय में जा सकते हैं उस हिसाब से। और इकोनॉमिक कैलेंडर देखिए, तो अगर फ्रॉम मंडे तो यहाँ पे कोई मेजर इवेंट नहीं है। आप देख सकते हैं ये इकोनॉमिक कैलेंडर 20 जून का है, कोई मेजर इवेंट है नहीं यहाँ पे, 21 में ही नहीं है। ये थोड़ा होम सेल्स का कुछ रिपोर्ट आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता इतना जो स्टॉक मार्केट में इफेक्ट होगा। तो नेक्स्ट कुछ ऐसा कुछ खास न्यूज़ है नहीं यहाँ पे US का, थोड़ा मीडियम, ये इतना इम्पैक्ट नहीं होगा मार्केट में, इंडियन मार्केट में। लास्ट न्यू होम सेल थोड़ा हाई दिखा रहा है, लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा करने वाला है नहीं यहाँ पे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है नेक्स्ट वीक मार्केट इतना बेयरिश नहीं रह सकता, तो यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन दे सकता है। तो उस हिसाब से हमें सपोर्टिंग लेवल है, सपोर्टिंग लेवल को निकालना है। तो सपोर्टिंग लेवल को कैसे निकाले, चलो उसमें मैं फिबोनाची यूज़ कर रहा हूँ, जैसा ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, नाउ क्वेश्चन इज डी पॉइंट। डी पॉइंट मीन्स एक्सटेंशन लेवल, सो ये क्या डी पॉइंट है उस हिसाब से देखेंगे। मैं फिबोनाची यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये फिबोनाची लेवल है, फिबोनाची एक्सटेंशन, यहाँ पे जाएंगे तो फिबोनाची एक्सटेंशन, मुझे जो ए पॉइंट और बी पॉइंट को सिर्फ कनेक्ट करना है। तो उस हिसाब से जस्ट ए मिनट, ए पॉइंट और बी पॉइंट मैंने कनेक्ट कर दिया, उस हिसाब से आप देखें ए पॉइंट बी पॉइंट इसको टच करना है। ओके अभी हमें डी पॉइंट मिल गया, चलो उसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ओके तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ए पॉइंट मैंने कनेक्ट किया, उसके बाद बी पॉइंट से, और ये सी पॉइंट रिट्रेसमेंट, और ये डी पॉइंट। डी पॉइंट फिबोनाची लेवल एक्सटेंशन कहाँ पे है, 1.236% एक्सटेंशन, जो ये लेवल है। तो ये कहाँ पे है, अराउंड 15,200, ठीक है, ये एक सपोर्टिंग लेवल है 15,200, जो ये फिबोनाची लेवल है। और नेक्स्ट होगा 14,800, अगर मार्केट नीचे आया ये एक सपोर्टिंग लेवल, तो हमें 15,200 और 14,800 दो सपोर्टिंग लेवल मिला। जैसे यहाँ पे आया, पुल बैक हुआ यहाँ से, तो मुझे लगता है ये एरिया से थोड़ा बहुत करेक्शन दे सकता है। उसको देखेंगे कौन सा एरिया और कौन सा लेवल तक तो जा सकता है, उस हिसाब से हम पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो लेट मी कनेक्ट दिस फिबोनाची लेवल, सो फर्स्ट थोड़ा इसको, ये सपोर्टिंग लेवल
ऑलमोस्ट 200, लेट्स से 200, ओके 200 के आसपास। नेक्स्ट मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो प्रीवियस स्विंग पॉइंट रेजिस्टेंस है। और नेक्स्ट यहाँ पे भी और एक मुझे सपोर्ट ड्रॉ करना है अराउंड 38% में, ठीक है 38% में, ये हो गया 38%। जस्ट ये भी 800 और ओके परफेक्ट। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता, सॉरी तो आप देख सकते हैं हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली बेसिस में निकाल लिया। उस हिसाब से हम देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम H1 में कुछ क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस या है क्या यहाँ पे, तो उस हिसाब से हम देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक रेंज मिला, मीन्स वी आर लुकिंग फॉर बाय एबोव 15200, 15200 का ऊपर हमें बाय चाहिए अगर बाय कंफर्मेशन फॉर्म हुआ तो। अगर मार्केट गैप डाउन हो गया तो हम लोग सेल में जा सकता है बिलो 15200 एंड नेक्स्ट टारगेट रहेगा अराउंड 14800, ये हो गया नेक्स्ट टारगेट। अगर मार्केट इसका ऊपर 15200 का ऊपर ही ओपन हुआ तो मुझे नेक्स्ट टारगेट रहेगा अराउंड 15700। तो यहाँ मार्केट यहाँ से पुल बैक हो सकता है, तो उस हिसाब से देखिए। तो आप एक रेजिस्टेंस लाइन भी मिल सकता है यहाँ पे, ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस, फिर भी मुझे लगता है ये करेक्शन दे सकता है यहाँ पे। और ट्रेंड अगर हमें यहाँ पे अगर ट्रेंड यूज़ करें तो मार्केट ट्रेंड, जस्ट ए मिनट, तो मार्केट ट्रेंड यहाँ पे कौन सा मूविंग एवरेज है, 100 मूविंग एवरेज एक्ट एज ए सपोर्ट और नेक फर्स्ट मूविंग एवरेज समूह ही है। तो अभी हमें मूविंग एवरेज यूज करके कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे 20 मूविंग एवरेज, जो ये 20 मूविंग एवरेज है ना, तो 20 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट में देखिए तो ट्रेडिंग सेटअप क्या रहेगा, जस्ट ए मिनट, ओके एग्जैक्टली यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी है। अगर मार्केट हमें कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिला अबोव दिस लेवल, तो यहाँ पे आप देखे तो RSI also diverging from this level, तो means we are looking for buy above 15,200 and the first target will be around 15,400. If price break this 15,400 and next target will be 15,700, ठीक है, or if price breaks so definitely we'll go for short. All right, so I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like and subscribe, and thanks for giving your valuable time.